बलसूद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख का अवैध स्प्रिट पकड़ा है। हैरत करने वाली बात यह है कि पूरा स्प्रिट पेट्रोलियम के टैंकर में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टैंकर को पकड़ थाने में खड़ा करवा दिया। मुखबिर की सूचना के बाद पलसुद पुलिस ने भारत पेट्रोलियम के टैंकर में भरकर ले जाया जा रहा स्प्रिट पकड़ा है। 20,000 लीटर पकड़ा स्प्रिट की कीमत करीब 9,43,000 रुपए बताई जा रही है। थाने पे फोन द्वारा मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई है कि एक अवैध स्प्रिट ओपी स्प्रिट से भरा हुआ टैंकर माताजी मंदिर चिंदी घाटी राजपुर रोड तरफ आने वाला है, जो कि वहाँ ग्राहकों को अवैध रूप से ओपी स्प्रिट बेचने वाला है। सूचना पर पलसुद का बल जीएल चौहान साहब और टीआई सर के निर्देशन में हम लोग रवाना हुए वहाँ पर, और वहाँ जाकर कुछ देर बाद देखा कि एक ट्रक क्रमांक MH18M931H वहाँ आया और एक व्यक्ति को वहाँ अवैध रूप से वॉल खोलकर स्प्रिट ओपी देता हुआ पाया गया। उसे मौके पर घेराबंदी कर पकड़ा। बाद में उनसे पूछताछ कर पता चला कि ये ट्रक टैंकर 5ML से इंदौर के लिए जा रहा था, जो कि अपना रूट सेंधवा से जाना था और चेंज कर दूसरे रूट से जाता हुआ पाया गया तथा उस व्यक्ति को अवैध रूप से स्प्रिट बेचना पाया गया। कुल टैंकर में कितना माल भरा हुआ? कुल टैंकर में जो कागजी है वो 20,000 लीटर माल भरा हुआ था। अनुमानित लागत 9 लाख रुपए। क्या कार्रवाई की गई आरोपियों को? आरोपियों के विरुद्ध आबकारी 34(2)(491) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पलसुद नगर से 10 किलोमीटर दूर चिंदी घाटी पर चुनरी वाली माताजी के मंदिर के पास से पुलिस ने टैंकर को जब्त किया है। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर थाने में खड़ा करवा लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, बड़वानी।